हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो यस्टरडे क्लास में हमने जब डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में, तो हमने डिस्कस किया था बेसिकली मैक्सिमा मिनिमा और हम मूव कैसे करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, मैक्सिमा निकालने के लिए, मिनिमा निकालने के लिए। फिर हमने डिस्कस किया था क्रिटिकल पॉइंट, कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे हमारा डेरिवेटिव जीरो होता है। फिर हमने देखा था कि किस क्रिटिकल पॉइंट को हम मैक्सिमा बोल देंगे, किसको मिनिमा बोल देंगे, कि जब हम मूव करेंगे नेगेटिव डेरिवेटिव टू पॉजिटिव डेरिवेटिव में मूव करेंगे, तब हम उसको बोलेंगे कि ये हमारे पास मिनिमा है, और अगर हम पॉजिटिव टू नेगेटिव में मूव करेंगे तो उसको मैक्सिमा है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो लास्ट क्लास की। तो आज हम आगे स्टार्ट करते हैं सैडल पॉइंट के साथ। तो सैडल पॉइंट बेसिकली क्या होता है, देखो जैसे ये हमारे पास एक प्लॉट है, सपोज करो ये हमारे पास एक एरर का प्लॉट है, ठीक है, और ये हमारे पास 3D प्लॉट है। एक डायमेंशन ये है, देखो एक डायमेंशन ये है और एक डायमेंशन ये है। इसमें लेट्स अज्यूम कि ये हमारे पास एक्स डायमेंशन है, ये हमारे पास वाई डायमेंशन है और ये हमारे पास जेड डायमेंशन है। आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो इसको। और यहाँ पे एक पॉइंट देखो, ये एक पॉइंट है हमारे पास। तो ये पॉइंट अगर हम इस डायमेंशन में बात करें, देखो यहाँ पे अगर हम एक्स डायमेंशन की बात करें, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इसका टॉप है, टॉप से हम मूव करेंगे, हमें ग्लोबल मिनिमा निकालना होगा, तो हमें ये पॉइंट बेसिकली निकालना होगा। इस पॉइंट पे हम मूव करेंगे तो यहाँ पे आके हमारा डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, इसके लिए मैं अलग से कलर यूज कर लेता हूँ। इस पॉइंट पे आगे देखो हमारा डेरिवेटिव एक्स डायमेंशन में, अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, और यहाँ के बाद डेरिवेटिव हमारा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इधर नेगेटिव डेरिवेटिव था, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मिनिमा। ये देखो एक्स डायरेक्शन की अगर हम बात करें, एक्स डायमेंशन की बात करें, तो एक्स एक्सिस में मिनिमम बन जाएगा। बट अगर हम एक और डायमेंशन में देखते हैं, यहाँ पे सपोज करो हम वाई डायमेंशन में ले लेते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है, हम ना ये ग्रेडियंट है और ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से देखो हम पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं, और इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद देखो फ्लैट कर्व आ गया, तो यहाँ पे वाई एक्सिस में भी यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। बट इस केस में आगे देखो डेरिवेटिव डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद। तो ये देखो वाई के केस में क्या है, देखो डेरिवेटिव पहले इंक्रीज हो रहा था, पॉजिटिव डेरिवेटिव था, इधर पॉजिटिव डेरिवेटिव था, हमारी कर्व इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव डेरिवेटिव था, और आगे डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव डेरिवेटिव है। तो वाई के केस में क्या है, ये मैक्सिमा है। देखो एक ही पॉइंट है, अगर इसको हम एक्स एक्सिस में देख रहे हैं तो ये मिनिमा है, वाई एक्सिस में देख रहे हैं तो ये मैक्सिमा है। तो इस तरह के पॉइंट को हम बोल देंगे सैडल पॉइंट। अब देखो अगेन डेरिवेटिव यहाँ पे जीरो है, दोनों डायमेंशन में जीरो है, एक्स में भी जीरो है, वाई में भी जीरो है। बट इस पॉइंट पे क्या है, देखो एक्स डायमेंशन में ये मिनिमा है, वाई डायमेंशन में ये मैक्सिमा है। तो इस तरह के पॉइंट को हम सैडल पॉइंट बोलेंगे, ये सैडल पॉइंट है। हमें जाना था मिनिमा पे, कि जहाँ पे मिनिमम वैल्यू हो दोनों डायरेक्शन में, एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में मिनिमम हो हमारे पास, दोनों डायमेंशन में मिनिमम हो, क्योंकि हमें तो लॉस को मिनिमाइज करना है ना। मिनिमाइज हम तब कर पाएंगे जब हमारे पास मिनिमम वैल्यू, लॉस के मिनिमम वैल्यू दोनों डायमेंशन में हो, एक्स वाई दोनों में हो। बट यहाँ पे एक्स के केस में मिनिमम है और वाई के केस में मैक्सिमम है। तो इस तरह की कंडीशन को हम बोलेंगे सैडल पॉइंट। अब यहाँ पे थ्योरी पे देख लेते हैं, सैडल पॉइंट इज ए क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होते थे हमारे पास, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया, जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ ए फंक्शन वेयर फंक्शन रीच द लोकल एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम क्या होता है हमारे पास, या तो वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा लोकल पॉइंट, जो लोकल हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट होगा लोकल फंक्शन का। तो ये हमारे पास लोकल एक्सट्रीमम क्या होगा, या तो ये आइदर ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, एक डायरेक्शन में, एक डायमेंशन की बात कर रहे हैं। बट दूसरी डायमेंशन में जब हम बात करेंगे, जैसे हमने अभी देखा था एक्स डायमेंशन में ये मिनिमा था, अब हम जब वाई डायमेंशन में इसको देख रहे हैं, यहाँ से देखो जब हम वाई डायमेंशन में इसको देख रहे हैं, तब ये मैक्सिमा है, वाई डायरेक्शन में अपोजिट है एक्स से। तो ये क्या है कि एक डायरेक्शन में सपोज करो ये मिनिमा है, यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल मिनिमा का, कि एक्स डायमेंशन में मिनिमा है, और दूसरी जो डायरेक्शन है, जो दूसरी जो डायमेंशन है या डायरेक्शन है, उसमें इसका अपोजिट होगा टाइप। अगर एक में मिनिमा है, जैसे यहाँ पे देखो मिनिमा है एक्स के केस में और वाई के केस में मैक्सिमा है, तो उसको ऐसे पॉइंट को हम बोलेंगे सैडल पॉइंट। इस पॉइंट को हम सैडल पॉइंट बोलेंगे। अब इसको देखते हैं अपने पास मैथमेटिक्स। तो सपोज करो ये फंक्शन है हमारे पास एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ये एक सिंपल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब इसमें देखो फंक्शन में दो डायमेंशन है, इसमें एक्स वाई दो डायमेंशन है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव पहले एक्स के रिस्पेक्ट में लेंगे, फिर वाई के रिस्पेक्ट में लेंगे, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी देखा था पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं इस फंक्शन का, तो जो फर्स्ट क्वांटिटी है एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 2x, और जो सेकंड क्वांटिटी है ये बन जाएगा 0, तो ये बन गया 2x। अब इस डेरिवेटिव में हमें निकालना है कि ये डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो ये कब 0 हो जाएगा, जब हम एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये डेरिवेटिव 0 हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट बेसिकली देखो एक्स इक्वल टू 0, तो ये भी पॉइंट बेसिकली देखो एक्स के केस में, अगर हम ज़ूम कर लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक्स के केस में ये मिनिमा है अपने पास। और अब देख लेते हैं वाई का केस।
अब वाई का केस के देख लेते हैं। देखो वाई के केस में हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, अगेन वही हमारे पास इक्वेशन थी एक्स स्केयर माइनस टू वाई, एक्स स्केयर माइनस टू वाई ये इक्वेशन थी हमारे पास। इसका अपने पार्शियल डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट क्वांटिटी हो जाएगी जीरो क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है, सेकेंड क्वांटिटी आ जाएगी टू वाई। अब यहाँ पे हमें इस टू वाई को जीरो बनाना है, जिस पॉइंट पे टू वाई जीरो हो जाएगा वो पॉइंट हमारा निकल के आएगा कि वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। अगर हम वाई को जीरो रखें तो वाई बेसिकली हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकल आएगा। तो इस वे में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा देखो क्या है कि ये एक वाई डायरेक्शन में क्या है, ये एक मिनिमा है, और सॉरी एक्स डायरेक्शन में एक मिनिमा है और वाई डायरेक्शन में ये एक मैक्सिमा है। इस तरह के पॉइंट को हम बोलेंगे सैडल पॉइंट, बेसिकली ये होगा सैडल पॉइंट। और अगर हम इसको प्रूव करना है, देखो अब यहाँ जीरो है, जीरो से कम क्वांटिटी लें तो यहाँ पे देखो क्या होगा केस था। जब हम मैक्सिमा बोलते थे मैक्सिमा का क्या केस था, अब हम लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि मैक्सिमा क्या होगा, बेसिकली एक पॉइंट जहाँ पे पहले हमारा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो गया, बेसिकली जैसे हिल का टॉप होता है कि पहले हम हिल पे, यहाँ से हम हिल पे बेसिकली यहाँ से क्लिक कर रहे हैं, हम हिल के ऊपर जा रहे हैं, इधर से नीचे आ रहे हैं, तो जो टॉप होगा उसको बोलेंगे हम मैक्सिमा, और ऐसे ही जो डाउन होगा हिल का, जो डाउन होगा बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट होगा उसको बोलेंगे मिनिमा। तो मैक्सिमा में क्या कंडीशन थी कि हमारा डेरिवेटिव पहले क्या था कि इस क्रिटिकल पॉइंट से पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा कि हम ऊपर जा रहे हैं, फंक्शन की कर्व ऊपर हो रही है, और इस क्रिटिकल पॉइंट के बाद अगर हम कोई वैल्यू देंगे तो डेरिवेटिव हमारा माइनस में आ जाएगा। तो अगर वाई में हम पुट करें जीरो, जीरो से पहले हम वो कोई भी माइनस क्वांटिटी ले लें तो ये डेरिवेटिव प्लस हो जाएगा, मीन्स कि डेरिवेटिव की फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है। और अगर यहाँ पे माइनस या यहाँ पे प्लस क्वांटिटी रखें जीरो के बाद की कोई क्वांटिटी वन टू कुछ भी दे तो ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी। तो उसके मीन्स क्या है कि अब फंक्शन की कर्व जो डिक्रीज हो रही है, डेरिवेटिव नेगेटिव में है हमारा। तो ये हमारा मैक्सिमा है, देखो ये पॉइंट हमारा मैक्सिमा है वाई। और एक्स की बात करें तो एक्स था टू एक्स, टू एक्स में अगर हम कोई नेगेटिव क्वांटिटी लेते हैं तो नेगेटिव आ जाएगा, मीन्स की डेरिवेटिव हमारा इन डिक्रीज हो रहा है। जीरो से छोटा कुछ भी ले नेगेटिव में तो नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू, और अगर पॉजिटिव ले तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। तब क्या है कि हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव में आ गया है तो हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो ये मिनिमा है। तो देखो एक्स क्या है, एक्स एक मिनिमा है, वाई एक मैक्सिमा है, और इस पॉइंट को जिस पॉइंट पे क्या है कि एक डायमेंशन में अलग है, एक डायमेंशन में हमारा मिनिमा निकल रहा है, दूसरी डायमेंशन में हमारा मैक्सिमा निकल रहा है, उसको बोलेंगे हम सैडल पॉइंट। ऐसे पॉइंट को हम बोलेंगे सैडल पॉइंट, एक ही पॉइंट। अब आते हैं ग्रेडियंट डिसेंट पे वापस अपने पास। अब ग्रेडियंट डिसेंट से हमने, अगर आपको रिमेम्बर हो लास्ट वीक हमने ग्रेडियंट डिसेंट से ही स्टार्ट किया था, ये जो हमने सब प्री रिक्विजिट किया है जिसमें मैक्सिमा मिनिमा और ये हमारे पास डेरिवेटिव और लिमिट डोमेन रेंज फंक्शन ये जो सब कवर किया है, ये बेसिकली इसीलिए हमने कवर किया है कि हमें ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम्स के थ्रू हमें बेस्ट वैल्यू निकालनी थी हमने वेट्स की। वेट्स क्या थे, एम और सी वेट्स थे। तो बेसिकली जो हमारे पास एक्स एक्सिस है ये वेट्स की एक्सिस है, इसको आप कंसिडर कर सकते हो एम की वे में। यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस के लिए इसमें एक्स वन एक्स टू मेंशन किया है, बट इसको एम अज्यूम कर सकते हो आप अगर इसको कोरिलेट करना है अपनी प्रॉब्लम के साथ। और ये जो एक्सिस है ये हमारा क्या है, ये हमारा फंक्शन का लॉस है बेसिकली। अब देखो हमें एंड में तो फंक्शन का क्या कम करना है, फंक्शन का लॉस कम करना है ना, किसके रिस्पेक्ट में कम करना है, वेट के। तो आप ये अज्यूम कर सकते हो कि एक्स एक्सिस पे हमारे वेट है, एम और सी की वैल्यू है एक्स एक्सिस पे हमारे पास, और हमारे पास आप अज्यूम कर सकते हो यहाँ पे एम, सी को भी इग्नोर कर दो एम, ऐसे ही सी के लिए भी ग्राफ बन जाएगा। और वाई एक्सिस पे हमारा क्या है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसका आएगा, कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा। ये सिंपल फंक्शन है, ये हमारा जो लॉस निकाल रहे थे जिससे हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, इस कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव है हमारे पास बेसिकली। तो इस वे में देखो हम अब कैलकुलेट कर सकते हैं डेरिवेटिव। अब सपोज करो ये हमारा कॉस्ट फंक्शन आया, अब ये सिंपल फंक्शन नहीं है, देखो वैसे तो ये एक एलजेब्रिक इक्वेशन है सिंपल, बट इसको आप अज्यूम करो कि ये कॉस्ट फंक्शन है क्योंकि एंड में जाके ग्रेडियंट डिसेंट में हमें कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है ना, एक्चुअल फंक्शन का नहीं निकालना। तो इसको आप अज्यूम कर सकते हो ये हमारा कॉस्ट फंक्शन है जो हमारा देखो ये है, ये जो वाई एक्सिस पे होगा जिसका डेरिवेटिव वाई एक्सिस पे होगा, और ये हमारे वेट होंगे जो हमें निकालने हैं। तो ये एक्स बेसिकली क्या होगा, इसको आप एम अज्यूम कर सकते हो, बट अभी ये मैंने नेमिंग कन्वेंशन में नोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक्स ही रखा है, इसको आप एम के साथ कोरिलेट कर सकते हो इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे देखो ये फंक्शन था, इसका हमने डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव आ गया टू एक्स माइनस फोर, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लिया टू एक्स माइनस फोर आ गया। अब हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, इस डेरिवेटिव को हमें क्रिटिकल पॉइंट पे लेके जाना है कि जहाँ पे ये वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है। अब इसको देखो, अब ग्रेडियंट डिसेंट कैसे काम करेगा, अब इसमें क्या करेंगे हम रेंडमली इस एक्स की वैल्यू रेंडम लेंगे। ये एक्स क्या है, देखो वेट है जो हमारा एम था उस इक्वेशन में, यहाँ पे एक्स है तो इसकी क्या है, इसकी रेंडम हम वेट लेंगे। जैसे हमारे पास ये था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, तो वहां पे क्या था, m और c की हम रैंडम वैल्यू लेंगे कोई भी, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को अपडेट करते जाएंगे इसके रिस्पेक्ट में।
ये एम और ये एक्स सेम है, ये एम और ये एक्स सेम है, और ये जो एक्स है ये वाला जो इस इक्वेशन में एक्स था, ये क्या था, ये फीचर की वैल्यू आएगी। जैसे उस केस में था हमारा एक्सपीरियंस, अभी अगली स्लाइड में हम देखेंगे एक्सपीरियंस हमारा फीचर था, तो यहाँ पे वैल्यू फिक्स है, ये हमारा जो इनपुट फीचर आएगा उसकी वैल्यू है, हमें निकालनी है एम और सी की वैल्यू। तो यहाँ पे सिर्फ हम सी को इग्नोर कर देते हैं, एम पे फोकस करते हैं कि हमें एम की वैल्यू निकालनी है, ये जो एक्स की वैल्यू है बेसिकली एम की वैल्यू है डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से हमारे पास। अब देखो इस वैल्यू को निकालने के लिए क्या करना है हमें, ये जो डेरिवेटिव है इसकी जीरो होनी चाहिए वैल्यू, जहाँ पे हमारा ग्लोबल मिनिमा तभी निकल के आएगा, जहाँ पे इस डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो होगी क्रिटिकल पॉइंट होगा, फिर हम चेक करेंगे उसको मिनिमा है मैक्सिमा है। तो सपोज करो ये वहाँ हमारा डेरिवेटिव है, सपोज करो ये इसका प्लॉट है, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस पे डेरिवेटिव है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास ये वेट है। पहले हमने इनिशियलाइजेशन की रैंडम, और हम ये हमने रैंडमली 5 बोल दिया कि ये एक्स की वैल्यू 5 ले लेते हैं, तो 5 के केस में क्या आएगा, 5 × 2 10 हो जाएगा, -4 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 से क्या होगा, देखो अब डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव आया, तो हम यहाँ से देखो क्या बोलेंगे कि डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो 6 पे हम प्लॉट करेंगे कि डेरिवेटिव की वैल्यू देखो 6, यहाँ पे 6 आई है। अब हम एक चीज क्लियर हो गई है यहाँ पे कि डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव साइड में है, कि हम पॉजिटिव स्लोप में है बेसिकली, नेगेटिव स्लोप में नहीं है, डेरिवेटिव पॉजिटिव आया अपना। अब जीरो की तरफ जाना है, हम पॉजिटिव स्लोप में है, हमें जाना है मिनिमम पॉइंट तक जीरो की तरफ, तो हमें इसको डिक्रीज करना पड़ेगा ना, पॉजिटिव साइड में है, इसको डिक्रीज करते जाएंगे हम एक्स की वैल्यू को, तभी हम अपने मिनिमम पॉइंट तक पहुंच पाएंगे, तो इसको कम करना है हमें। अब कम कैसे करना है, उसका क्या फॉर्मूला है, देखो अब देखो ये X1 था, इसको हमने बोला X1 पॉइंट, X1 पॉइंट हमने अपने आप लिया था 5, रैंडमली लिया था, आप इसको कुछ भी ट्राई कर सकते हो, 100 कर सकते हो, 200, 300 कुछ भी ट्राई कर सकते हो, हमने लिया 5, ठीक है। तो यहाँ पे X1 अब 5 था अपने पास, ठीक है, फिर हमने इसका डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव इसका आ गया 6, 5 पॉइंट पे आ गया पॉजिटिव 6 पॉइंट, तो ये DFY DX की वैल्यू आ गई 6 अपने पास, और इसके साथ देखो ये माइनस साइन है, तो ये सारी क्वांटिटी हो जाएगी -6। ये हाइपर पैरामीटर हम यहाँ पे यूज करेंगे अल्फा, ये बेसिकली क्या है, ये लर्निंग रेट बोलते हैं इसको, टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं लर्निंग रेट, ये हमें मिनिमम से क्वांटिटी रखनी है जीरो के नीचे। सपोज करो मैंने यहाँ पे इसको क्वांटिटी को रख लिया 0.06, तो -6 से 0.06 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी क्वांटिटी हो जाएगी माइनस के 0.06, यही बन जाएगी ये। अब इस अब 5 में से माइनस करेंगे 0.06, तो ये बन जाएगा 4.994, ये क्वांटिटी बन जाएगी। तो ये क्वांटिटी देखो 5 से इधर होगी ना, अब ये 5 से डिक्रीज कर रहे हैं हम, इस क्वांटिटी पे मूव कर रहे हैं, तो इस वे में देखो हम पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में आए हैं। और ये हमने 5 क्यों लिया, ये रैंडमली हम कुछ भी ले सकते हैं, और यहाँ पे देखो सपोज करो हमने ये -5 ले लिया, तो हम इधर से मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे ही -2 लिया हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, और इससे 5 से भी अब सपोज करो हमने 10 ले लिया, तब हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ये आप रैंडमली करेंगे जब रियल टाइम भी करेंगे हम, ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू करेंगे। तो ये तो पॉजिटिव के केस में था, देखो पॉजिटिव के केस में हमें अब डिक्रीज करना था, तो ये डिक्रीज हो गया। अब दोबारा से फिर अब क्या करेंगे, दोबारा से फिर इस ये डेरिवेटिव फंक्शन है अपना, अब ये 4.94 जो वैल्यू है ये इसको यहाँ पे पुट करेंगे, दोबारा से फिर डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लेंगे, दोबारा से फिर अब देखो क्या है, अब X1 की वैल्यू क्या आ गई, अब X1 की वैल्यू आ गई 4.994, अब दोबारा से जो डेरिवेटिव आएगा वो डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, उसको अल्फा रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर क्या आएगा, फिर एक नई क्वांटिटी आएगी, इसमें से माइनस करेंगे जो भी अपना ये डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी अल्फा रेट के साथ मल्टीप्लाई करके, उसको इस क्वांटिटी को उसमें से माइनस कर देंगे, सपोज करो 0.6 अगेन आ गई, तो उसको यहाँ से माइनस करेंगे, जो नई क्वांटिटी आएगी वो नई हमारे पास एक्स की वैल्यू हो जाएगी, एक्स क्या था जो वेट था, नई वेट हो जाएगी। कहाँ तक जाएंगे हम ऐसे, इसको अपडेट करते जाएंगे, अपडेट करते जाएंगे, मूव करते जाएंगे, इसको हर बार अपडेट करते जाएंगे, जब तक हमारे पास ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा। अब ये क्रिटिकल पॉइंट कैसे आएगा, बेसिकली जब हमारे पास देखो इस पॉइंट तक आके देखो हमारा क्या हो रहा था, हमारा ये जो डेरिवेटिव है देखो डेरिवेटिव की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी हमारे पास, ठीक है, हम नीचे आ रहे थे आ रहे थे आ रहे थे, और अगर सपोज करो आप इस पॉइंट को मिस कर जाते हो, आप इधर आ जाते हो, तो देखो यहाँ से डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, यहाँ से हम देखो इधर पॉजिटिव में थे, पॉजिटिव में थे और डेरिवेटिव वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, इधर डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगी। जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव में चले जाएंगे, यहाँ से देखो पॉजिटिव थी डेरिवेटिव की वैल्यू, इधर सारी ये पॉजिटिव आ रही थी, इधर नेगेटिव में चले गए हम, तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा कि हमने एक पॉइंट मिस कर दिया बीच में, जहाँ पे हमारा मिनिमम पॉइंट था, तो हमें ये मिनिमम पॉइंट निकालना है जो हमारा मिनिमम पॉइंट था। और ये जो हम लर्निंग रेट ये कम क्यों ले रहे हैं, अगर हम इसको सपोज करो इसको काफी बड़ी क्वांटिटी ले देते हैं, तो हम एकदम से मुंह देखो कहाँ से कहाँ कर जाएंगे, यहाँ के सपोज 6 का ही केस ले लेते हैं, ये 6 था, और यहाँ पे ले लेते हैं लर्निंग रेट 10 ले लेते हैं, तो ये 60 हो जाएगा, तो 60 के केस में क्या है, यहाँ पे सपोज करो 5 था, 60 के केस में इधर कहीं पे मूव कर जाएगा, ऐसे सपोज करो इसको 1 ले लेते हो, तो 1 के केस में भी क्या है, अब यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 5 पे थे हम,
एम की वैल्यू 5 थी और इसको 1 ले लिया लर्निंग रेट को, यहाँ पे 6 था तो ये -6 हुआ, 5 में से -6 किया तो माइनस के 1 पे आ गए। तो यहाँ के बाद कहाँ पे जाएंगे हम, डायरेक्टली इधर आ जाएंगे डायरेक्टली, अगर हम इसको बड़ी क्वांटिटी लेते हैं तो। हमारा जो है मिनिमम ओवरशूट ना हो, ओवरशूट की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम ये छोटा रखते हैं। लर्निंग रेट जो पैरामीटर है, जो अल्फा पैरामीटर है, इसको हम डिटेल में देखेंगे जब हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, जब मशीन लर्निंग में ऑप्टिमाइजेशन पे काम करेंगे तो हम डिटेल में भी देखेंगे। तो ये सारा था जब हम पॉजिटिव साइड में थे। अब सपोज करो हमने जो एक्स की वैल्यू ली, एक्स की वैल्यू इधर आ गई नेगेटिव साइड में, तब क्या होगा उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? और देखो ये यहाँ से देखो एक्स वन से हम स्टार्ट हुआ, जैसे हमने 5 की वैल्यू दी उसमें से 6 मल्टीप्लाई किए और फिर हमने नया पॉइंट दे दिया एक्स टू की, जो वैल्यू आई थी वो एक्स टू बन गई। फिर हम जैसे यहाँ पे मैंने अभी ग्राफ में दिखाया नए पॉइंट पे आ गए, फिर हम ये नए पॉइंट से डेरिवेटिव निकालेंगे, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, नए पॉइंट से अगेन डेरिवेटिव निकाल लेंगे, अगेन ये वैल्यू अपडेट करेंगे, फिर हम ऐसे ऐसे अपने पास आगे मूव करते जाएंगे जब तक मिनिमम पॉइंट नहीं आएगा। अब देखते हैं जब हमारे पास नेगेटिव साइड में होगी, जब हमारे पास स्लोप नेगेटिव होगा। यहाँ पे देखो सपोज करो आप इस एक्स थ्री पॉइंट पे है और नेगेटिव साइड में है, तब हम कैसे मूव करेंगे? अब नेगेटिव साइड में है, ये स्लोप नेगेटिव है, तो ये जो डेरिवेटिव की क्वांटिटी आएगी ये भी नेगेटिव आएगी। जब ये डेरिवेटिव की क्वांटिटी आएगी, सपोज करो ये -6 आ जाती है क्वांटिटी, और ये इसके साथ देखो माइनस साइन पहले ही है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सारा प्लस हो जाएगा, ये प्लस के 6 बन जाएंगे। और फिर ये लर्निंग रेट है, लर्निंग रेट के साथ जो क्वांटिटी आएगी एंड में वो प्लस आएगी। तो अगर -3 की बात करें, -3 के केस में क्या होगा, प्लस की कुछ क्वांटिटी, अगर 6 की ही बात कर लें तो क्या होगा, ऐसे कुछ 6 होगा और ये प्लस की क्वांटिटी है, ये माइनस की क्वांटिटी है, तो इसमें से कुछ ऐसे आ जाएगा 2.994 आ जाएगा निकल के, और वो भी माइनस का। तो इसमें में देखो पहले हम यहाँ पे थे, सपोज करो यहाँ पे हम 3 था, ये तो सॉरी 2 है, बट हम ले लेते हैं कि ये 3 था माइनस का, तो उसके बाद हम ये 2994, तो इससे के बाद की क्वांटिटी आ जाएगी। ऐसे ही हम यहाँ से देखो डेरिवेटिव, ऐसे ही हम डेरिवेटिव निकालते जाएंगे हर एक पॉइंट का। और डेरिवेटिव हमारा जब हम नेगेटिव साइड में होंगे, डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इस नेगेटिव का मीनिंग क्या है, डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आएगी जब हम नेगेटिव साइड में होंगे, नेगेटिव स्लोप होगा अपना। और फिर ये नेगेटिव साइन पहले से था हमारे फॉर्मूला में, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये क्वांटिटी हमारी पहले ही नेगेटिव चल रही होगी, इसमें से क्या होगा ये ऐड करते रहेंगे हम, तो ये डिक्रीज होता रहेगा और हम इधर मूव करते रहेंगे मिनिमम पॉइंट तक, जब तक हमारा क्रिटिकल पॉइंट नहीं आता अपने पास। और जैसे ही ये क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा फिर हम इसको चेक करेंगे कि ये मिनिमा है या मैक्सिमा है, हम किस डायरेक्शन में। अब जब पहले ही डेरिवेटिव हमारा डिक्रीज हो रहा था, नेगेटिव डेरिवेटिव था, इसके बाद पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गया, तो मीन्स ये मिनिमा है हमारा, जैसे इस पर्टिकुलर केस में है। और जो हमारे पास देखो ये जो फंक्शन की कर्व है, ये होता है कन्वेक्स फंक्शन। दो तरह के फंक्शन होते हैं हमारे पास, देखो कन्वेक्स फंक्शन होते हैं और कनकेव फंक्शन होते हैं। ये नीचे वाली कर्व क्या है, कनकेव की है, ये कन्वेक्स की है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, ये सारे कन्वेक्स फंक्शन के एग्जाम्पल है। बट रियल टाइम में हमारे पास इतनी स्मूथ कर्व नहीं होगी, रियल टाइम में सोच करो हमारे पास ऐसी कुछ कर्व आई, इतने सारे हमारे पास टॉप एंड हिल्स आ गए, इतने सारे ऐसा कुछ फंक्शन की कर्व आ गई। पहले हम यहाँ पे देखो, पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे लॉस, फिर हम यहाँ पे लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर हम यहाँ पे देखो इन सारे केस में क्या है, सारे क्रिटिकल पॉइंट निकल आएंगे, इन सब पे देखो हमारा डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। बट हमारा जो ग्लोबल मिनिमा है, यहाँ पे देखो ग्लोबल मिनिमा हमारा यहाँ पे है, और हमें क्या है ये देखो इतने सारे आगे, तो इस केस में हम यहाँ पे कैसे आएंगे? तो रियल टाइम में हम क्या करेंगे, डिफरेंट वेरिएंट यूज करेंगे ग्रेडियंट डिसेंट के, जैसे हम एडा बूस्ट, एडा ग्रेडियंट, डिफरेंट ग्रेडियंट हम यूज करेंगे, अडेप्टिव लर्निंग टेक्निक्स यूज करेंगे, डीके ऐड करेंगे लर्निंग रेट पे, ताकि हम इन वाले जो लोकल लोकल मिनिमा है इनमें ना फंसे हम, इन इनमें बेसिकली इनमें स्टक ना कर जाएं हम, और हमें यहाँ पे मूव कर जाएं। और हम कैसे देखो बैक प्रैक्टिस में कैसे करते हैं, जैसे हमने अभी एक्स की वैल्यू 5 ली थी पिछले एग्जाम्पल में, एक्स की वैल्यू 5 का मीनिंग क्या था, एक्स वन जो वैल्यू ली थी वो बेसिकली क्या था कि वेट की वैल्यू थी, कि एम की वैल्यू थी वो बेसिकली। तो इस केस में क्या करेंगे हम रियल टाइम में, कि हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के साथ भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। फर्स्ट टाइम में हमने सपोज करो कि वेट की वैल्यू 5 ली, सेकंड टाइम में हमने वेट की वैल्यू सेकंड एक्सपेरिमेंट किया उसमें 1 ली, थर्ड टाइम में हमने एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए हमने 2 ली, फिर हमने -1 लेके देखी, एक बार -50 लेके देखी, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेके देखी हमने। और फिर हम इस डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू से क्या है हमारे पास क्या है, सारा डेटा स्टोर होता जाएगा, ये मॉडल अपने पास ऑटोमेटिक वे में होगा, ये मॉडल अपने आप करेगा, ये सारा डेटा हमारे पास स्टोर होएगा, एंड में जाके मॉडल के जो बेस्ट पैरामीटर हैं, जो मॉडल के बेस्ट पैरामीटर निकल के आएंगे, जो बेस्ट एम और सी की वैल्यू है, वो हमारे पास जो भी लोकेशन हम देंगे जब मॉडल ट्रेनिंग करेंगे वो सारे के सारे वहां पे स्टोर हो जाएंगे। तो इस वे में हम बेसिकली मॉडल की ट्रेनिंग करते हैं। और ये जो कोर कंसेप्ट था ट्रेनिंग का, जो मैंने अभी ग्रेडियंट डिसेंट आपको कराया, ये बेसिकली कोर था, जो कोर मैथ होता है ट्रेनिंग के टाइम पे, ये वो बेसिकली कोर मैथ था।
और ये जो मैंने बोला कि रेंडमली हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये बेसिकली हमारे पास होता है ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स होती है, जब हम पैरामीटर को डिफाइन करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, तो ये रेंडम इनिशियलाइजेशन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के साथ, ताकि हम एक ही किसी एक ही एरर स्पेस में ना फंसे रहें, हमारे पास अलग अलग वैल्यू के साथ, इसीलिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। और हम ग्लोबल, हमारा गोल होता है कि ग्लोबल मिनिमा हमें निकालना है जहाँ पे एरर सबसे कम हो। अब आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे, जो हमने प्रॉब्लम सबसे पहले डिस्कस की थी। तो आपको अगर याद है, इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक फीचर था एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस थे 10 ईयर, 11 ईयर, 12 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, ये सारे एक्सपीरियंस थे। और जो हमें प्रेडिक्ट करना था एक्सपीरियंस के बेस पे, ये सैलरी थी अपने पास, ये 1000 में सैलरी है। जैसे ये है 300, 2000, 55000, 80000, ये सब सैलरीज थी अपने पास। तो हमारी प्रॉब्लम हमने हैंड क्या थी कि हमें मॉडल ट्रेंड करना है, किस पे ट्रेंड करना है, एक्सपीरियंस पे ट्रेन करना है, प्रेडिक्ट क्या कराना है, ये सैलरी प्रेडिक्ट करानी है, ये हमारे पास ट्रेनिंग डेटा था। देखो अब इस मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमें क्या था, हमें ये बेसिकली देखो ये कंटिन्यूस वैल्यू थी, तो ये रिग्रेशन प्रॉब्लम थी, ये हमने डिस्कस भी किया था उस क्लास में। अगर आपको नहीं याद है तो आप वो क्लास को दोबारा चेक कर सकते हो, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है LMS में। तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन बन रही थी, देखो वाई प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट वाई जो हमें प्रेडिक्ट करना है, किसकी हेल्प से करना है, MX+C। अब एक्स क्या है, एक्स ये इनपुट फीचर है, जो ये देखो इनपुट फिक्स है, ये एक्स फिक्स है, इनपुट तो फिक्स है देखो, और जो आउटपुट आने वाली है वो भी हमारे फिक्स है। तो हमें क्या करना है, इस इनपुट को दे के यहाँ पे एक्स को पुट करके ये प्रेडिक्ट करना है कि सैलरी कितनी है, और हमें अब लॉस कैसे कैलकुलेट करना है। ये एक्चुअल सैलरी है, ये एक्चुअल सैलरी गिवन है। अब हर एक एक्स के लिए देखो एक्चुअल सैलरी पहले से गिवन है। अब यहाँ पे इस एक्स की वैल्यू सपोज करो हम 10 पुट करते हैं, तो हमें वो एम और सी निकालने हैं, जो इस 10 को यूज करके, यहाँ पे 10 को हम एम से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सी करेंगे, तो जो क्वांटिटी आएगी वो क्वांटिटी इसके नियर अबाउट हो, ये जो देखो यहाँ पे जो क्वांटिटी है 10 के रिस्पेक्ट में, इसके नियर अबाउट हो। अब वो क्वांटिटी तक जाएंगे कैसे, वो सारा ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम से करेंगे हम। अब जब मैंने बताया था आपको कि हम इनिशियली रैंडम वैल्यू से चलते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एम और सी दोनों की वैल्यू 0 ले लेते हैं, हमने रैंडमली अपने पास इनिशियलाइजेशन स्टार्ट की, और हमारे पास रैंडमली हमने क्या ले लिया, एम को सी, एम और सी दोनों को 0 ले लिया। तो इस इक्वेशन में देखो दोनों को 0 लेंगे तो दोनों क्वांटिटी 0 हो जाएंगी, तो प्रेडिक्टेड वाई क्या होगा, देखो हर एक केस पे, यहाँ पे देखो यहाँ पे एम भी 0 है, सी भी 0 है, तो सारा प्रेडिक्टेड वाई हर एक केस में 0 0 0 0, हर एक केस में कोई भी एक्सपीरियंस ले, इन सबके केस में सैलरी क्या आ जाएगी, प्रेडिक्टेड सैलरी 0 आ जाएगी। अब प्रेडिक्टेड सैलरी आ गई 0, और एक्चुअल सैलरी हमारे पास है, ये एक्चुअल सैलरी है, तो इन दोनों को यूज करके हम एक्चुअल सैलरी और प्रेडिक्टेड सैलरी को यूज करके हम बोल देंगे हम अपना एरर कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, कि एरर कितना आया, लॉस कितना आया अपने पास। उसके लिए एक फॉर्मूला आता है अपने पास, मीन स्क्वेयर्ड एरर, ये हमारा फॉर्मूला है जब हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यू होती है। ऐसे जब क्लासिफिकेशन में होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट फंक्शन, डिफरेंट डिफरेंट लॉस फंक्शन होंगे अपने पास, वो तो अभी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए देखो हम यूज करें मीन स्क्वेयर्ड एरर, इसकी शॉर्ट फॉर्म है MSE। तो MSE का फॉर्मूला क्या है, हमें क्या करना है, देखो पहले हमें क्या है, जो हमारा एक्चुअल वाई है उसमें से प्रेडिक्टेड वाई, एक्चुअल वाई जो एक्चुअल सैलरीज थी उसमें से जो हमारी प्रेडिक्टेड सैलरी आई है वो माइनस करनी है, उस क्वांटिटी को स्केयर कर देना है जो क्वांटिटी आई है, और उसको जितने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट है हमारे पास, 1/n का क्या है, n का मीनिंग है जितने डेटा पॉइंट है उससे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे देखो क्या था, अब यहाँ पे प्रेडिक्टेड सैलरी, जब हमारे पास एक्सपीरियंस 10 था तो प्रेडिक्टेड सैलरी 0 थी, एक्चुअल सैलरी हमारे पास 245 थी। ऐसे एक्सपीरियंस 11 पे क्या था, प्रेडिक्टेड सैलरी 0 थी और हमारे पास एक्चुअल सैलरी 240,000 थी। ऐसे ही 12 एक्सपीरियंस पे प्रेडिक्टेड सैलरी 0 थी, एक्चुअल सैलरी 302 थी। ऐसे ही ये हमारे पास सारे डेटा पॉइंट पे एक्चुअल सैलरीज हैं, और प्रेडिक्टेड हर एक पॉइंट पे यहाँ पे 0 है, क्योंकि हमने रैंडमली एम और सी दोनों की वैल्यू 0 दे दी थी। इसके बेस पे देखो हम यहाँ से एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ पॉइंट कितने हैं, 7 है, और ये सारे के सारे पॉइंट देखो यहाँ पे, देखो वाई आई क्या है, वाई आई एक्चुअल सैलरी थी, तो एक्चुअल सैलरी की वैल्यू दी, उसमें से ये 0 माइनस कर दिया जो प्रेडिक्टेड आई है। ऐसे हम इस सब का देखो समेशन निकाला, एंड में जाके स्केयर कर दिया इसका, तो इसमें में हम मीन स्केयर निकाल सकते हैं, ठीक है। बट हमें क्या करना है, हमें तो देखो इसके बेस पे एम और सी की वैल्यू अपडेट करनी है, तो एम और सी की वैल्यू अपडेट करने के लिए क्या था, हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अब डेरिवेटिव किसका निकाल लेंगे, डेरिवेटिव इस मीन स्केयर रूट फंक्शन का निकाल लेंगे, ये इसका लॉस फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। देखो अब किसके रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे, अब अगर इसको आप सोल्व करो, ये प्रेडिक्टेड वाई देखो है क्या एक्चुअल में, ये देखो ऐसा ही कुछ है ना, ये वाई आई माइनस प्रेडिक्टेड वाई की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एम एक्स प्लस सी पुट कर सकते हैं यहाँ पे इस प्रेडिक्टेड वाई की जगह पे, ये ऐसे ही है ना, देखो इस प्रेडिक्टेड वाई की जगह पे यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे देखो हम दोनों, हम एम और सी दोनों के रिस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। अब जो इसका डेरिवेटिव आएगा
अब डेरिवेटिव हमने भी ग्रेनियर सेट में क्या लिखा था, डेरिवेटिव से क्या करना है हमें, डेरिवेटिव में हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, जहां पे मिनिमम लॉस होगा, नियर अबाउट जीरो हो जाएगा लॉस। एक्चुअली भी बिल्कुल जीरो नहीं होता, एक्चुअल में बिल्कुल जीरो नहीं होगा लॉस, नियर अबाउट को जीरो हो जाएगा। उस पॉइंट पे जाके हम निकाल लेंगे कि अच्छा जिस पॉइंट पे ये दोनों के दोनों लॉस हमारे पास कम्बिनेशन में हम निकाल लेंगे, एम और सी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ट्राई करेंगे, जहाँ पे ये लॉस हमारे पास मिनिमम हो जाएगा वहां पे देखो, जहाँ पे लॉस मिनिमम हो रहा है वहां पे हम एम और सी की वैल्यू पुट करेंगे, और वो एम और सी की वैल्यू हमारी बेस्ट वैल्यू होगी, वो हमारा ग्लोबल मिनिमा होगा। तो ये फंक्शन कुछ ऐसे बनेंगे देखो, दो अगर इसको विजुलाइज करें तो ये कुछ ऐसे अपने पास एरर स्पेस बनेगा। एक में जो हमारे पास फंक्शन होगा वो डेरिवेटिव, वो जो हमारे पास ये लॉस फंक्शन है इसका डेरिवेटिव एम के रिस्पेक्ट में एक फंक्शन आ गया, और यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट एम की वैल्यू ट्राइस की। सपोज करो ऐसा कुछ करो बनी, यहाँ से हम स्टार्ट हुए गए, यहाँ से हम जीरो से स्टार्ट हुए थे और हम इधर आ रहे हैं वैल्यू अपडेट करते हुए, और यहाँ पे हमारा ग्लोबल मिनिमा है इस एम के केस में। ऐसे ही सी के केस में भी होगा, सी के केस में हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ट्राई करेंगे और बेस्ट वैल्यू अपने पास निकाल देंगे। और ये जो लर्निंग रेट है, अल्फा पैरामीटर, ये हमें स्मॉल क्वांटिटी लेनी है। क्यों स्मॉल लेनी है, कि ताकि हम छोटे छोटे स्टेप फॉलो करें, जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था। इस केस में भी देखो यहाँ पे 0.01 लिया है, तो यहाँ पे देखो एक पार्शियल ये डेरिवेटिव आ गया एम और सी के रिस्पेक्ट में, हमने डेरिवेटिव निकाल लिया। डेरिवेटिव की जो वैल्यू आएगी, अब यहाँ से डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई, अगर ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फॉर्मूला था, हमारा फॉर्मूला था अगर आपको याद हो तो, हमारा जो क्या फॉर्मूला था कि जो पहली वैल्यू है, जो पुराना एम है, देखो यहाँ पे एम पहले क्या था, जीरो था। इस पर्टिकुलर केस में एम पहले जीरो था, उसमें से माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे, देखो बाय डिफॉल्ट हम माइनस कर रहे थे उस फॉर्मूला में, ये अल्फा की वैल्यू है, लर्निंग रेट आ गया, ये डेरिवेटिव है। अगर ये डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो ओवरऑल क्वांटिटी माइनस हो जाएगी, यहाँ पे जीरो में से देखो माइनस हो जाएगी। अगर ये डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव आएगा तो ये क्वांटिटी हो जाएगी पॉजिटिव, फिर ये प्लस हो जाएगा हमारे पास। तो इस वे में हमारा नई एम और सी की वैल्यू निकल आएंगी यहाँ से। ऐसे ही हमारे पास कंटिन्यूअसली हमें ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं। कहाँ तक करने हैं, जब तक हमारे पास हम मिनिमम पॉइंट तक, अपना ग्लोबल मिनिमा तक नहीं आ जाते। ये हमारे पास सिंपल ग्रेडियंट डिसेंट था। देखो ये सारे स्टेप 2 से लेके 5 तक हमारे पास मूव होते रहेंगे, एम और सी की वैल्यू एंड में जाके अपडेट होती रहेगी दोबारा। फिर हम लॉस निकाल लेंगे, एम और सी की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन में दोबारा, फिर प्रेडिक्टेड सैलरी निकाल लेंगे, एक्चुअल सैलरी हमारे पास गिवन है दोबारा, फिर लॉस निकाल लेंगे, डेरिवेटिव निकाल लेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, और जो डेरिवेटिव है डेरिवेटिव से दोबारा फिर एम और सी की वैल्यू अपडेट करेंगे दोबारा, फिर हम अपना लॉस निकाल लेंगे। कब तक निकालते रहेंगे, जब तक ये लॉस मिनिमाइज नहीं हो जाता, जब तक सबसे कम लॉस नहीं आता। जब तक ये लॉस देखो, जैसे यहाँ पे सपोज करो ये लॉस कम हो रहा है, इसके बाद ये बढ़ना शुरू हो जाता है, जब तक ये पॉइंट नहीं आता तब तक हम ये निकालते रहेंगे। और रियल टाइम में जैसे मैंने बोला था कि रियल टाइम में हमारे पास इतना कन्वेक्स शेप नहीं होगी, कि इतना इतनी इजी फंक्शन नहीं होगा। रियल टाइम में हमारे पास फंक्शन क्या होगा कि काफी कॉम्प्लेक्स पर फंक्शन होंगे, और ये तो मैंने 1D, ये तो मैंने सिर्फ 2D का एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे देखो रियल टाइम में क्या है कि हमारे पास काफी सारे मिनिमा और मैक्सिमा होंगे, तो हमें क्या है, हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के साथ एक्सपेरिमेंट करना है। सपोज करो एक बार आप यहाँ से स्टार्ट हुए, एक बार आप एमसी की वैल्यू इधर से दी, एक बार आपने एमसी यहाँ पे दिया, एमसी यहाँ पे दिया, तो डिफरेंट डिफरेंट हम सपोज करो ये एम एम है आपका इधर एक्सिस पे, और ये हमारा पास लॉस फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। तो एक बार आपने एम यहाँ से ट्राई किया तो आप इधर तक चले गए, यहाँ से एम ट्राई किया तब तो जाके आप अपने पास ग्लोबल मिनिमा पे आओगे। तो इस वे में हम रियल टाइम यूनिवर्सिटी में काम करेंगे। और जो ग्रेडियंट डिसेंट है, इसके डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम आते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट वेरियंट आते हैं हमारे पास। जैसे आते हैं अडेप्टिव लर्निंग टेक्निक्स आती है, डीके हम ऐड कर देते हैं, इसमें मोमेंटम ऐड कर देते हैं, वो सारे के सारे हम ऑप्टिमाइजेशन में कवर करेंगे। जब मशीन लर्निंग के पार्ट में हम करेंगे ऑप्टिमाइजेशन, तब हम इसके सारे एल्गोरिथम ऐड करेंगे। उन एल्गोरिथम में बेसिकली क्या होगा, कोर जो क्रक्स है मैथ का वो ये सेम ही रहने वाला है इसके साथ। जैसे अभी एक हाइपर पैरामीटर था अल्फा, अब इसके साथ क्या है, इसको ट्विक करके हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज इसमें ऐड करते रहेंगे, छोटी छोटी क्वांटिटीज ऐड कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो डीके, जैसे डीके ऐड करने की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे हमारा लर्निंग रेट डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। तो वो चीजें हम जब डिटेल में हम इसके ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। बट मैथमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैथमेटिक है, और जब भी हम बोलते हैं डेटा साइंस में हमें मॉडल ट्रेन करना है, मॉडल फाइन ट्यून करना है, डीप लर्निंग में मॉडल ट्रेन करना है, जनरेटिव एआई में मॉडल ट्रेन करना है, तो उसका मीनिंग क्या होता है, बिहाइंड द सीन मैथ क्या चलता है। मैथ ऐसे ही चलता है उसका, जैसे हमने अभी एम की एग्जाम्पल लिया, ऐसे ही जब बड़े मॉडल होंगे, अगर लार्ज मॉडल की बात करें, बिलियन नंबर ऑफ पैरामीटर है, तो वहां पे बिलियन नंबर ऑफ वेट हमें चेंज करने हैं, और इसीलिए इतना टाइम लगता है ट्रेनिंग में, कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के साथ एक्सपेरिमेंट होते हैं, आपस में कॉम्बिनेशन बनते हैं, इतने सारे हाइपर पैरामीटर हो जाते हैं, इतने सारे मॉडल पैरामीटर हो जाते हैं जो लर्न करने होते हैं। मॉडल पैरामीटर जो मॉडल लर्न करता है, कि बिलियन नंबर ऑफ पैरामीटर है तो बिलियन नंबर ऑफ कंप्यूटेशन होगी वहां पे, बिलियन नंबर ऑफ पैरामीटर लर्न करने के लिए।
बिलियन नंबर ऑफ डेरिवेटिव निकल रहे होंगे, तभी हमारे पास मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, इनको इतना टाइम लगता है और इतना कंप्यूटेशन ये कंज्यूम करते हैं। बट ये बेसिक था हमारे पास डेरिवेटिव का, ग्रेडियंट डेसेंट का, कि हम ऑप्टिमाइजेशन करते कैसे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी लेक्चर में जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।